तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस की जो डेली यूज में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आप आमतौर पर बोलते रहते हैं, लेकिन एडवांस इंग्लिश में इन्हें कैसे बोलेंगे विद एडवांस वर्ड्स। और हाँ, अगर कोई पार्टनर नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आई एम हेयर रक्षा टू गेट यू प्रैक्टिस विथ मी। यस, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि आप करेंगे प्रैक्टिस मेरे साथ और आज ही आपके ये सेंटेंसेस हो जाएंगे कन्फर्म और आप बोलने लगेंगे इन सेंटेंसेस को आज से ही इंग्लिश में। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज का वीडियो। गुड लक ब्रो, आप किसी को भी गुड लक बोल रहे हैं उसे आप बोल सकते हैं ब्रेक अ लेग ब्रो। यस, रिपीट आफ्टर मी प्लीज। वेरी गुड, ब्रेक अ लेग ब्रो मतलब उसको कंप्लीटली फिनिश करके ही आना, बहुत अच्छा करके आना। कीप इट अ सीक्रेट, इसे रहस्य ही रहने दो, इसे सीक्रेट ही रहने दो। कीप इट अंडर रैप्स, मतलब रैप्स मतलब कि तमों में, परतों में रहने दो, है ना, मतलब इसे खुलने मत दो। तो कीप इट अंडर रैप, प्लीज रिपीट। वेरी गुड, लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। गिव मी अ ब्रेक मतलब मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, प्लीज रिपीट। वेरी गुड, हाउ आर यू, आप कैसे हैं या तुम कैसे हो। हाउ इज इट गोइंग, है ना, आप क्या बोल सकते हैं। वेरी गुड, नाउ इट्स नॉट सो डिफिकल्ट या फिर इट्स नॉट अ बिग डील, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी भी मुश्किल नहीं है इस काम को करने में, इसे आपको कैसे बोलना चाहिए। इट्स नॉट रॉकेट साइंस, आपने सुना होगा बहुत से लोगों के मुंह से, तो ये जो सेंटेंस है ये कब यूज किया जाता है, जब आपको बोलना है कि अरे इतनी छोटी सी बात, ये तो ऐसे ही हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अरे ये इतना कठिन नहीं है, इसको आप कह सकते हैं इट्स नॉट रॉकेट साइंस, प्लीज रिपीट। वेरी गुड, आई एम वेरी टायर्ड, ये सेंटेंस हमने कल के वीडियो में भी देखा था जहां पर हमने इसे बोला था आई एम एग्जॉस्टेड, और इसे किस तरीके से कह सकते हैं, आई एम वॉर्न आउट, आई एम वॉर्न आउट, प्लीज रिपीट। वेरी गुड, आई एम फिट एंड हेल्दी, मैं कंप्लीटली स्वस्थ हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे कोई थकान नहीं है, आई एम फिट एंड हेल्दी, इसे आप कह सकते हैं आई एम फिट एज अ फिडल, मेरे जैसा तो कोई फिट हो ही नहीं सकता, आई एम फिट एज अ फिडल, प्लीज रिपीट। वेरी गुड, आई एम अ बिट बिजी, मैं आज थोड़ा सा बिजी हूँ, इसे आप कैसे कह सकते हैं, आई एम अ बिट टाइड अप और आई एम कंप्लीटली पैक्ड टुडे, ठीक है, कैसे कह सकते हैं, आई एम अ बिट टाइड अप, प्लीज रिपीट। और आप कह सकते हैं आई एम कंप्लीटली पैक्ड टुडे। वेरी गुड, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आर यू मैड, क्या तुम पागल हो। Are you out of mind? क्या कहेंगे आप इसे? Very good. I like you a lot. मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ. I'm so into you. कैसे कहना है आपको? I'm so into you. Please repeat. Very good. So if you want to into me, उसके लिए आपको करना होगा like, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर नए हैं चैनल पर तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करिएगा आगे के वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। अगर आपको ये प्रैक्टिस मेरे साथ पसंद आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आगे भी और भी सेंटेंसेस लाएंगे। अगर ऐसा कोई सेंटेंस है जो आपको नहीं पता है कि इसको इंग्लिश में प्रॉपरली कैसे कहा जाए और आप चाहते हैं कि मैं उसे अपने वीडियो में लाऊं, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। डेफिनेटली आई एम गोइंग टू इंक्लूड दोस सेंटेंसेस इन माई वीडियो। तो बस बने रहिए मेरे साथ, स्टे ट्यून ऑन रक्षाज इंग्लिश क्लब। थैंक यू सो मच।